दोस्तों, आप सबको जैसा कि मालूम है कि आज सीयू के विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर एक उनको नोटिस मिला है, उनकी गिरफ्तारी के आदेश हुए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर रविंद्र सिंह भाटी स्वयं जुड़े हैं। रविंद्र सिंह जी, क्या पूरा मामला है जो आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्र क्रांति जदों विश्वविद्यालय रमीना छात्र संघ अध्यक्ष हतो उटे मां एक छात्र क्रांति मूवमेंट करी हो विद्यार्थियों रे वास्ते उमर फीस रे वास्ते मां विधानसभा रे घेराव करी हो और उ टाइम प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर रे माथे मां लोगा विरोध दर्ज कराई जी कोविड री धारा रो लेते हुए उ टाइम प्रदेश री सरकार जो हती वहां हर लगभग जिला रमीना मां मां मुकदमा दर्ज करवाया। उमर रो मुकदमा दर्ज कराउ तो सीधो सो एजेंडो है तो कि का करी करे मैं छात्रा री आवाज है वो ना दबाऊ मां लोगा मारो प्रयास करियो विधानसभा रो घेराव करियो। जाहिर सी बात है कि छात्रा रे हित रे मीना उमर हक और अधिकार और वास्ते लड़ाई लड़ो तो निश्चित रूप रे मीना आपने कई सारी परेशानियां रे सामनो करनो पड़े। मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ उगर बाद रे मीना समय रहते मैं पूरे तरीके मीना अपीयर भी हुआ। वर्तमान विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव चलते हुए जाकुन पाया पर न्यायपालिका रे माथे पूरे तरीके भरोसा है। निश्चित रूप रे मीना छात्र हितार पक्ष रे मीना और महासभा ना देखते हुए हमारे हित रे अनुसार फैसलो ले है मना ये चीज रे भरोसा है। रविंद्र सिंह जी, कोरोना का जब समय था, पूरा देश अपना, पूरा विश्व अपने घरों में थे और आप छात्र क्रांति कर रहे थे, ये तमाम चीजें हो रही थी, तो अब उस समय ये भी आपने सोचा होगा कि सब लोग इस तरीके से हो रहा है, लेकिन मैं ये चीजें कर रहा हूँ। देखो साहब यहाँ है कि हमारा वो जो भी यूनिवर्सिटी का हमारा भाई है था आज चाहे मैं विश्वविद्यालय में निकल रहा प्रदेश संगम मुट्टी पंचायत विधानसभा पहुंच गया पर छात्रा ना लेर में वो टाइम भी रेस्पॉन्सिबल था आज भी आ वो दौर में जब छात्रा ने कोई बात को नहीं सुनतो वो दौर में जब गाँव परिवेश आने वाले विद्यार्थी रे भेड़ो फीस रे नाम आते अवैध वसूली होती पड़ी तो उम्र हक और अधिकार वास्ते उम्र लड़ाई ना लड़नी जरूरी थी। और मैं सब चीज आप सोचो एक तरफ देश दुनिया बंद कमरा में बैठी थी और मैं उम्र हक अधिकार वास्ते सदन लेर सड़क तक हर जगह सड़कों ले सदन तक हर जगह लड़ाई लड़ता पड़े तो उम्र माँ मार कर्तव्य पालना करी जो माना कर लू तो माँ वो काम करी। क्या रविंद्र सिंह जी उस समय आपको भी, आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे, इससे प्रभावित हो गए थे? नहीं ईश्वर आशीर्वाद रहे कोई भी तरीके रिकॉर्ड दे कोई एडी डर था इस समस्या तो प्रकार नहीं का है। कि ये मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे भी कोरोना डर हो सकता है, ये डर तो होता ही होगा। डर मारे ज्यादा परिवार वाला ना हो तो कि अमूमन कोविड ये दौर मीना अगर ये तरीके में होता रहा तो बीमार जाओ पर सब यह है कि हूं तो अगर घर में ना कोविड डर में डुब कर बैठ गयो हो तो हमारे हुआ भाई यारी बात कौन रखते साहब। पूरे राजस्थान भर रहा मीना 25-30 हजार युवा सड़क माते आया विधानसभा रो घेराव करियो बिना कोई बैनर रहे बिना कोई नेता रहे में सारा युवा एकजुट हुआ स्टूडेंट सारा एकजुट हुआ वो तो बड़ो प्रदर्शन करियो। तो मेवाड़ रमीना भी उसी दिन उदयपुर रमीना जो मेवाड़ रमीना बहुत बड़ो प्रदर्शन हुआ तो कलेक्ट्रेट रो घेरा हुआ तो निश्चित रूप रमीना मानो छात्रा री आवाज ना मजबूत करनी थी मां मजबूत करी और वर्तमान में जो भी हो रही है मानो न्यायपालिका ने माथे पूरा भरोसा है निश्चित रूप रमीना मानो इंसाफ मिले न्याय तो मिले। तत्कालीन सरकार से आपने, जी आप कह रहे हर जगह मुकदमे किए, तो आपने बात नहीं की उस समय सरकार से कि भी हम छात्रों के लिए कर रहे हैं, क्या इस प्रकार की बातचीत हुई? देखो साहब कोई कौन चाहे कि कोई विरोध दर्ज कराए है ना वो टाइम दी सरकार छात्र आंदोलन ये लेवल पे डर गई थी कि माना विरोध दर्ज कराने वास्ते कई जगह भी कोई परमिशन को नहीं थी। मैं उन्होंने कहा साहब लोकतंत्र में ना बैठा थे माना परमिशन दे मैं मारो बात विरोध जताऊंगा यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर केद्र के लाली गवर्नमेंट की हड धर्मिता आती वहां युवाओं की आवाज ना दबाऊ प्रयास करो और उग्र खिलाफ मां प्रदर्शन करो। आप देखिए उसे छात्र संघ चुनाव माथा भी वहां लोग रोक लगवाई तो कई सारी समस्याएं कई सारी एड़ी परेशानियां हैं वहां खड़ी करी पर आखिर में छात्र शक्ति रही जीत। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि जो आप जिस चीज को लेकर आप आंदोलन कर रहे थे, छात्रों की फीस को लेकर कर रहे, तमाम चीजों कर रहे, क्या उसमें सफलता मिली थी उस आंदोलन के बाद आपको? बिल्कुल पूरे तरीके से और आज भी आप देखता उसो कि तमाम अवैध वसूलियां जो आती वो बंद हुई और छात्रा रेत में ना फैसला आया वे दौर में जो अननेसेसरी रहा बिना कारण जो टैक्स जो लगता वो पूरे तरीके में ना खत्म कराया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी भाटी, आपने बातचीत की और अपने पूरी बात को समझाया। दोस्तों, आप सबको जैसा कि मालूम है कि आज सीयू के विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर एक उनको नोटिस मिला है, उनकी गिरफ्तारी के आदेश हुए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर रविंद्र सिंह भाटी स्वयं जुड़े हैं। रविंद्र सिंह जी, क्या पूरा मामला है जो आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्र
छात्र क्रांति जदों विश्वविद्यालय मीना छात्र संघ अध्यक्ष हतो उटे मां एक छात्र क्रांति मूवमेंट करी हो विद्यार्थियों वास्ते उमर फीस वास्ते मां विधानसभा घेराव करी हो और उटे प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर माथे मां लोगों विरोध दर्ज कराई कोविड री धारा रो लेते हुए उटे प्रदेश री सरकार जो हती वहाँ हर लगभग जिला और मीना महामारी मुकदमा दर्ज करवाया वहाँ रो मुकदमा दर्ज कराउं तो सीधो सो एजेंडो है तो की कहाँ करी करे मैं छात्रा री आवाज है वो ना दबाऊ मान लोग मारो प्रयास करियो विधानसभा रो घेराव करियो जाहिर सी बात है कि छात्रा रे हित रे मीना वहाँ हक और अधिकार और वास्ते लड़ाई लड़ो तो निश्चित रूप में मीना आपने कई सारी परेशानियां का सामना करना पड़े मुकदमा दर्ज हुआ उग्र बाद में मीना समय रहते मैं पूरे तरीके मीना अपीयर भी हुआ वर्तमान विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव चलते हुए जाकुन पाया पर न्यायपालिका पूरे तरीके